तो हेलो गाइस, आप लोग देख रहे हो ऑल इन वन पॉजिटिव। तो फ्रेंड्स, आज इस वीडियो पे मैं बताऊंगा कैसे आप लोग आपके यूट्यूब चैनल को ग्रो कर सकते हो 2021 में। तो जो जो नए यूट्यूबर्स है उसके लिए मैं इस वीडियो पर बहुत सारे टिप्स में शेयर करूंगा। इस टिप्स को पकड़ के आप लोग आपका यूट्यूब चैनल को बहुत ईजी से ग्रो कर सकते हो। तो वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ, वीडियो को पसंद आए तो लाइक करो, शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। और वीडियो पूरा देखने के बाद समझ में नहीं आएगा तो ज़रूर मेरे को इंस्टाग्राम पर DM करिए। तो चलिए, पहला है आपको क्या करना पड़ेगा। एक आप लोग नया चैनल ओपन करोगे, नया चैनल ओपन करने से पहले आपको क्या क्या करना पड़ेगा मैं वो चीज़ बताऊँगा। पहले आपको यूट्यूब क्रिएटर अकेडमी जो है उसको ज्वाइन करिए। पहले YouTube Creator Studio, Creator Academy, ठीक है। तो YouTube Creator Academy से आप लोग पहले सीखिए उस पर क्या क्या आपको ज़रूरत है, जैसे कंटेंट जो है कंटेंट कैसे बनाना पड़ेगा, एंड स्क्रीन क्या है। उसके बाद आप लोग YouTube के अंदर आ जाइए। जैसे क्रिएटर स्टूडियो पे जो जो चीज़ बताया है सब यूट्यूबर बोलते हैं, और मेरा जो प्लेलिस्ट है यूट्यूब के अंदर उस पर बहुत कुछ आपको मिल जाएगा, लेकिन बहुत ऐसे 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 चीज़ है यूट्यूब क्रिएटर एकेडमी के अंदर, वो चीज़ को भी आप लोग पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। नंबर टू, एक महीना पहले, ठीक है, यूट्यूब चैनल क्रिएट करने से पहले, ठीक है, बिफोर वन मंथ, ठीक है। तो एक यूट्यूब चैनल क्रिएट करने से पहले आपको ये दोनों चीज़ करना पड़ेगा। नंबर टू है कॉन्टेंट, ठीक है। कंटेंट क्या होता है कि आप लोग जो वीडियो बनाते हो इसका जो कंटेंट है उस कंटेंट के ऊपर आपको ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा। इसके लिए आप लोग एक महीना बहुत सारे यूट्यूब चैनल को सर्च करिए, उसका वीडियो देखिए, उसका थंबनेल देखिए, उसका डिस्क्रिप्शन देखिए, उसका टैग को आप लोग चेक करिए कैसे वो लोग वीडियो बनाते हैं। क्योंकि जो साल है अभी 2021, इधर बहुत सारे कॉम्पिटिशन हो गया है और आपका कॉम्पिटिटर भी बहुत सारे हैं, और यूट्यूब एक सेकेंड लार्ज सर्च इंजिन है इन वर्ल्ड, ठीक है, जहाँ पर आपको बहुत कंप्यूटर के सामने आना पड़ेगा। तो इसके लिए आपको क्या क्या करना पड़ेगा, क्रिएटर एकेडमी ज्वाइन करना पड़ेगा, उसके बाद कंटेंट को अच्छे से सब कंटेंट देखकर आपका खुद का कंटेंट बनाना पड़ेगा, ठीक है। इसके बाद आफ्टर वन मंथ, एक महीना बाद आप लोग क्या करोगे, आपका YouTube चैनल को आप लोग क्रिएट करोगे, ठीक है, क्रिएट YouTube चैनल, ठीक है। एक YouTube चैनल क्रिएट करने के बाद आपको क्या करना पड़ेगा, YouTube चैनल क्रिएट करने के बाद एक कवर देना पड़ेगा, कवर के बाद एक लोगो देना पड़ेगा। लोगो बनाने के लिए आपको बहुत सारे वेबसाइट मिल जाएगा, लेकिन आप लोग इस कैनवा से आप लोग बनाइए आपका लोगो। इधर आपको बहुत सारे लोगो डिज़ाइन करने के लिए बहुत कुछ मिल जाएगा। आप लोग लोगो पर क्लिक करोगे तो इधर आपको बहुत सारे वैरायटी टाइप का लोगो देखने के लिए मिल जाएगा इस कैनवा के अंदर। तो कैनवा हो गया, उसके बाद आपको कवर भी बना सकते हो यूट्यूब का कैनवा से। इसके बाद आपका जो कंटेंट है कंटेंट को आपको देना पड़ेगा। कैसे कंटेंट बनाना है, आपका सिंगल निच के ऊपर, सिंगल निच का मतलब होता है आपका थीम रहेगा एक। जैसे मेरा जो चैनल है वो मल्टी निच का चैनल है, मेरा चैनल मैंने ओपन किया था 2018 में, जहाँ से मैं मल्टी निच का काम करता था। देख सकते हो कि अभी व्यूज़ बहुत घट गया है, क्योंकि अभी जो टाइम हो गया है मल्टी निच का, वो उसका जो इम्प्रेशन बहुत कम हो रहा है। और जो सिंगल निच के ऊपर वीडियो बनाओगे तो आपका व्यूज़ भी बहुत अच्छा होगा, सब्सक्राइबर भी बढ़ेगा, क्योंकि सिंगल नीच होता है। जैसे यूट्यूब के ऊपर ही आप लोग पूरा कंटेंट डालोगे आपके चैनल के अंदर तो बहुत इजी से आपका चैनल ग्रो होगा। जैसे सोचो कि आप लोग एक फूड ब्लॉगिंग करते हो, तो फूड के ऊपर ही आप लोग सिर्फ वीडियो डालते हो तो आपका चैनल बहुत इजी से ग्रो होगा। तो सिंगल नीच पकड़ के आप लोग वीडियोज बनाते रहिए रेगुलर बेसिस पर। नंबर टू, कंसिस्टेंसी रखना पड़ेगा, कंसिस्टेंसी रखना पड़ेगा, ठीक है। कंसिस्टेंसी जब आप लोग रखोगे तो यूट्यूब चैनल भी आपका बहुत इजी से ग्रो करना शुरू कर देगा। तो कंसिस्टेंसी का मतलब होता है कि सोचो कि बीते हुए जो साल था 2018 के बाद, 18 से पहले जो है 2017, उस समय हर हफ्ते में 2018 में हर हफ्ते में आप लोग 5 वीडियो डालते थे, या फिर 5 वीडियो डालोगे तो कुछ प्रॉब्लम नहीं होता। लेकिन अभी है 2021, जहाँ पर आपको क्या करना पड़ेगा, मिनिमम 10 टू
11 वीडियोस देना पड़ेगा, वीडियोस इन अ वीक, ठीक है। एक वीक में आपको 10 टू 11 वीडियोस आपको देना पड़ेगा यूट्यूब को, ठीक है। नंबर 5 होता है आपका अट्रैक्टिव थंबनेल, थंबनेल टाइटल एंड आपका डिस्क्रिप्शन, ठीक है। ये चीज़ आपको ध्यान पर रखने रखने होगा और इसके थ्रू आपका चैनल को ग्रो होना शुरू कर देगा। तो पहला चीज़ है कि आपका जो थंबनेल होगा वो थंबनेल आप लोग बना सकते हो कैनवा से। कैनवा के अंदर आप लोग थंबनेल बोलकर लिखोगे, इधर थंबनेल बोलकर आप जब आप लोग सर्च करोगे, ये आपको मोबाइल वर्जन पर भी मिल जाएगा और इसको आपको कंप्यूटर वर्जन भी मिल जाएगा। तो थंबनेल इधर बहुत सारे आपको मिल जाएगा डिज़ाइनिंग, और खुद से भी आप लोग इधर बना सकते हो क्रिएट डिज़ाइन पर क्लिक करके, ठीक है। तो अभी जो मैंने बोला आप लोगों को कि कैनवा से आप लोग लोगो बना सकते हो, कवर बना सकते हो, ये सब कुछ बना सकते हो। इसके बाद आता है आपका कीवर्ड रिसर्च। कीवर्ड रिसर्च होता है आपके यूट्यूब की सबसे इम्पोर्टेंट, क्योंकि जो कीवर्ड लोग सर्च करेगा उसके थ्रू वीडियो सब लोगों को शो करेगा, ठीक है। तो कीवर्ड रिसर्च कैसे करना है इसके ऊपर भी वीडियो मेरे को आप लोगों को मिल जाएगा। मेरा जो प्लेलिस्ट है उधर कीवर्ड रिसर्च मिल जाएगा, और भी नया नया जो कीवर्ड टूल्स आ गया है 2021 या फिर 2020 पे, उसके ऊपर आप लोगों को वीडियो चाहिए तो मेरे को ज़रूर कमेंट सेक्शन में बोल देना, तो इसके ऊपर भी मैं वीडियो डाल दूंगा आप लोगों को लिए। और नंबर 7 जो है कीवर्ड रिसर्च होने के बाद, नंबर 7 जो है शेयर करना पड़ेगा वीडियो को। वीडियो को पहले आप लोग जो वीडियो को शेयर करोगे तो आप लोग फैमिली या फिर आपका फ्रेंड्स लोग है उसके साथ शेयर करना, क्योंकि जब आप लोग आपका जो ग्रुप वगैरह के साथ शेयर करोगे तो इसके थ्रू थोड़ा सा सब्सक्राइब बढ़ेगा, थोड़ा सा व्यूज़ आना शुरू कर देगा, और पहले दिन से ही आपका चैनल पर अच्छा व्यूज़ आएगा या फिर अच्छा चैनल पर ग्रोथ आना शुरू कर देगा, ये नहीं होता है। क्योंकि एक चीज़ मैं बताना चाहता हूँ, शेयर करोगे तो आपका जो मुँह है या फिर आपका जो चैनल का लोगो है या फिर आपका चैनल का जो थीम है सबके पास जाएगा, वो लोग आपके जो चैनल है वो वीडियो आप लोग उस जो वीडियो आप लोग डालते हो उस वीडियो को देखेगा। पहले दिन से आप वायरल नहीं होगे, जब आपका कंटेंट अच्छा होगा तो वायरल बहुत इजी से आप लोग हो सकते हो। और उसके साथ अभी जो आप टेक के ऊपर वीडियो बनाओगे तो अच्छे से ग्रो नहीं होगा, स्लो करके टेक चैनल ग्रो होता है। 1 महीना लग सकता है, 2 महीने या फिर 4 महीने या फिर 1 ईयर या फिर 2 ईयर या फिर 3 ईयर भी लग सकता है। टेक का चैनल का बहुत कंपटीशन है, जो चैनल का कंपटीशन कम है उस कीवर्ड पकड़ के आप लोग रेगुलर बेसिस पर वीडियो बनाते रहिए और शेयर करते रहिए। शेयर जब करोगे तो आपका चैनल का प्रोमोट भी होगा, बहुत लोग आपको जानेगा और आपका चैनल पर क्या क्या कॉन्टेंट है वो लोग देखेगा, ठीक है। उसके साथ आपका जो सबसे इम्पोर्टेंट होता है प्रोमोशन। प्रोमोशन करने के लिए आप लोग क्या कर सकते हो, प्रोमोशन करने के लिए आप लोग गूगल एड्स को यूज़ करो, क्योंकि एक नया चैनल है, ठीक है। एक नया चैनल को सब लोग नहीं जानते, ठीक है। जैसे सोचो कि ABCD बोलकर एक चैनल मैंने ओपन किया आज ही, तो आज ही सब लोग मेरे को जान जाएगा, कोई लोग नहीं जान जाएगा, क्योंकि मैं एक नया यूट्यूबर हूँ, मेरे को कोई लोग नहीं जानते हैं, तो वो लोग क्यों मेरे को सब्सक्राइब करेगा। तो इसके लिए आपको प्रमोट करना पड़ेगा, एक बहुत अच्छा कंटेंट बनाने के बाद आप लोग प्रमोट करिए गूगल एड्स क्रेडिट के साथ, ठीक है। गूगल एड्स क्रेडिट आपको मिल जाएगा जब आप लोग नया गूगल एड अकाउंट ओपन करोगे। नीचे कैसे एड क्रेडिट मिलता है इसके ऊपर भी वीडियो आपको मिल जाएगा, मेरे जो यूट्यूब का जो या फिर गूगल एड्स का जो प्लेलिस्ट है उधर जाकर आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ आपको करना पड़ेगा 2021 में, और 21 में आपको ध्यान लगा के और मेहनत करके आपको YouTube पर काम करना पड़ेगा। हार मत मानना, मैं हर चीज़ बोलना चाहता हूँ, हार मत मानना, ठीक है। जो लोग सोचता है कि मैं अभी एक YouTube चैनल बनाया, 1 महीने में मेरा चैनल ग्रो हो जाएगा, पैसा मिलना शुरू हो जाएगा, ये चीज़ नहीं होता है। आपको मेहनत करना पड़ेगा, जब आप 2 महीना कर लोगे तो उसके बाद भी आपको नहीं मिलेगा तो आप सोचोगे कि YouTube छोड़ दो, ठीक है। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो लोग सोचते हैं कि 2 महीने के बाद ही मेरा पैसा आएगा, तो वो लोग YouTube को छोड़ दीजिए, क्योंकि YouTube एक लॉन्ग लास्टिंग आपका कंटेंट क्रिएटिंग प्लेटफॉर्म है, जहाँ पर आप लोग रेगुलर बेसिस पर कंटेंट डालोगे और बहुत अच्छे से आप लोग रेवेन्यू भी मिलेगा जब आपका चैनल मोनेटाइज हो जाएगा। और एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि प्यार से करोगे कोई काम तो आपको भी बहुत इजी से आपका चैनल को भी ग्रो होना है
के लिए कोई लोग नहीं रोक सकता। प्यार प्यार दो आपके चैनल के लिए, आप लोग पूरा आपका जी जान लगा दो तो आपका चैनल भी ग्रो होगा। हार मत मानना, एक चीज़ बताना चाहता हूँ, हार मत मानना, क्योंकि ये जो चैनल आप लोग बनाते हो, आप लोग का कंटेंट, इस कंटेंट में भी दम है, सब लोगों के पास जाना चाहिए। कैसे जाओगे, ये चीज़ को फॉलो करिए। पहले आप लोग क्या करना, पहले आपको करना पड़ेगा यूट्यूब क्रिएटर एकेडमी को ज्वाइन करना पड़ेगा, कंटेंट को ध्यान से देखना पड़ेगा। तो उसके बाद यूट्यूब चैनल क्रिएट करिए, कवर बनाइए, लोगो बनाइए, सिंगल नीच के ऊपर वीडियो बनाइए, उसके बाद कंसिस्टेंसी रखिए, थंबनेल बनाइए, टाइटल दीजिए, डिस्क्रिप्शन दीजिए, कीवर्ड रिसर्च करिए, शेयर करिए और प्रमोशन करना मत भूलिए, ठीक है। तो जो नए यूट्यूबर से जो जो मैंने टिप्स आज शेयर किया, ये टिप्स आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत महत्वपूर्ण है। इसके थ्रू आप लोग आपका चैनल को बहुत ईजी से ग्रो कर सकते हो। और कोई भी ज़रूरत हो तो मेरे को इंस्टाग्राम पर ज़रूर DM करिए। और आज के लिए जाता हूँ, तो नेक्स्ट वीडियो पर ज़रूर मुलाकात होगा। टाटा बाय बाय, सी यू फॉर नेक्स्ट वीडियो।